हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड वॉरियर। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने में, वायुमंडल के अध्ययन को डॉट डॉट कहा जाता है, यानी कि वायुमंडल के बारे में जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आकृति विज्ञान, बी मौसम विज्ञान, सी माप विद्या, डी खनिज विज्ञान। तो इसमें राइट आंसर होगा मौसम विज्ञान। अब अगर बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल के बारे में आप सभी को पता है कि पृथ्वी के चारों ओर जो है एक गैसों की घनी चादर है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर में क्या है, वायुमंडल है। और ये वायुमंडल किससे बना है, ये विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण से बना है। तो इसका जो अध्ययन होता है वो मौसम विज्ञान के अंतर्गत में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें आकृति विज्ञान की, तो आकृति विज्ञान के अंतर्गत में जीवों की संरचना, उसकी आकृति का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद खनिज विज्ञान के अंतर्गत में खनिज के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये माप विद्या जो है इसका जो अध्ययन है वो साइंटिफिक स्टडी में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मौसम विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पीएसएलवी के लिए संक्षिप्त है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का जो प्रश्न है वो हर एक सीरीज में होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म वाला जो प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पीएसएलवी शॉर्ट फॉर्म में है इसका। अगर हम लोग बात करें कि इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, इसका हिंदी में इसको कहा जाता है ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन। तो पीएलएसवी के लिए संक्षिप्त है ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन, और इंग्लिश में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये जो सैटेलाइट है वो धरातल से 600 से लेकर के 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, और वहां से ये पृथ्वी को ऑब्जर्व करता है ये सैटेलाइट, और वहां की जानकारी में भेजता है। तो इसका क्या हो गया, ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा है कि भारत का पहला उपग्रह है, मतलब कि भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, उपग्रह के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि सौरमंडल में स्थित छोटे छोटे पिंड जो है, खगोलीय पिंड जो है, वो ग्रहों का चक्कर काटते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो उपग्रह कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी काट रहा है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा काट रहा है। लेकिन ये सब क्या हो गए, ये सब प्राकृतिक उपग्रह हो गए, मगर यहाँ बात हो रही है मानव निर्मित उपग्रह की। भारत का पहला उपग्रह यानी कि भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी रोहिणी, सी भास्कर, डी सेगावन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह सैटेलाइट था, और इसे लॉन्च किया गया था 17 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट जो सैटेलाइट जो उपग्रह था उसे लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रह्मांड में जो भी कुछ गतिविधियां हो रही है या वहां का जो भी स्थिति है उसको ऑब्जर्व करना, उसके बारे में बताना, उसकी जानकारी देना, खास करके खगोलीय चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। रोहिणी भी, ये भी एक उपग्रह है, इसे लॉन्च किया गया था 1980 में। रोहिणी को कब लॉन्च किया गया था,
1980 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद भास्कर जो है, भास्कर सैटेलाइट दो प्रकार के था, एक पहला था और दूसरा, दो सैटेलाइट था ये भास्कर वन और भास्कर टू। वन को लॉन्च किया गया था 1959 में और इसे लॉन्च किया गया था 1981 में। ठीक है, तो ये सारे जो सैटेलाइट हैं, ये सारे मानव निर्मित उपग्रह हैं, लेकिन आर्यभट्ट जो है वो पहला मानव निर्मित उपग्रह है भारत का, और इसे लॉन्च 17 अप्रैल 1975 को किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्दियों में बोई जाने वाली फसल और बसंत में काटने वाली फसल को डॉट डॉट कहा जाता है। देखिए यहां पर प्रश्न को किस तरीके से घुमाया है। सर्दियों में बोई जाने वाली फसल और वसंत में काटने वाली फसल को डॉट डॉट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता है कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर महीनों का नाम नहीं दे करके ऋतु का नाम दिया गया है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी रबी फसल जो है इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। फसलों के आधार, ये ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है रवि, फिर खरीफ और तीसरा होता है जायद। तीन प्रकार के होते हैं। रबी फसल जो है, इस फसल को अक्टूबर या दिसंबर महीने में लगाया जाता है, फरवरी मार्च में काट लिया जाता है। तो यहाँ क्या पूछा है, सर्दियों में बोई जाने वाली फसल और वसंत में काटने वाली फसल, यानी कि यहाँ पे सर्दी का महीना हो गया अक्टूबर दिसंबर का, वसंत का महीना कब होता है, फरवरी मार्च का महीना होता है। तो ये कौन सी फसल हो गया, रवि। इसके बाद खरीफ फसल जो है, इस फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और जून जुलाई में बोया जाता है, इसके बाद सितंबर अक्टूबर में इस फसल को काट लिया जाता है। और जायद जो है, इसे जायद फसल को कब बोया जाता है, मार्च और अप्रैल महीने में इसे बोया जाता है। तो ये जो फसलों का वर्गीकरण किया गया है, ये ऋतुओं के आधार पर इन फसलों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसी तरह से घुमा करके प्रश्न पूछ देता है, कभी फसलों का नाम दे दिया जाता है, कभी महीनों का नाम दे दिया जाता है, तो कभी ऋतुओं का नाम दे दिया जाता है। तो इसमें ऋतुओं का नाम दिया है सर्दी और वसंत, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रबी फसल। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में यारलंग त्यांगपो नदी को क्या कहा जाता है। भारत में इस नदी को, यारलंग त्यांगपो एक नदी है, इस नदी को भारत में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगोत्री, डी बराक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। यारलंग त्यांगपो को भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है। तिब्बत के पुरंग जिले के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ये नदी भारत, बांग्लादेश और तिब्बत, इन तीनों देशों से होकर के बहती है, जहां पर तिब्बत में से यारलंग त्यांगपो कहा जाता है। जब ये नदी भारत में आ जाती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी आ जाती है, तब ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यही नदी जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो वहां इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब ये नदी गंगा और यमुना, यमुना मतलब जो नदी भारत में है वो नहीं, यमुना मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एक दूसरे के साथ मिल जाती है, जब इन दोनों का संगम होता है, तो इस नदी को मेघना कहा जाता है। और फिर ये मेघना नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 229
किलोमीटर। तो यारलंग त्यांगपो को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, इसी नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है। ऑप्शन ए 360 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पता होगा कि पृथ्वी जब एक बार घूर्णन करती है, यानी कि जब वो अपने अक्ष पर घूमती है, तो वो कितना डिग्री घूमती है? वो 360 डिग्री घूमती है, यानी कि 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम जाती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि एक घंटे में वो कितने डिग्री घूमती है। तो जब 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम जाती है, तो 15 डिग्री एक घंटे को में घूमने में वो 15 डिग्री घूमती है, एक घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है। 24 भागा 360, 15, और ये 15 डिग्री इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ भूभाग है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ एक भूभाग जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रायद्वीप, बी तट, सी द्वीप, डी भूमि। इसमें आपका राइट आंसर होगा प्रायद्वीपीय। तीनों तरफ से, ये हमारा भारत का दक्षिणी छोर है, ठीक है, यहाँ पर हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो आप जानते हैं कि इस एरिया को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो वैसा जगह जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वो प्रायद्वीपीय कहलाता है। अगर तट की बात करें, तो किसी भी नदी या समुद्र का जो किनारा होता है वो तट होता है। इसके बाद द्वीप, द्वीप जहाँ जिसके चारों ओर पानी हो, बीच में भूभाग हो और चारों ओर पानी, जैसे कि ये अगर महासागर है तो यहाँ पर कोई द्वीप है, इसके चारों ओर क्या है? पानी है। इसके बाद भूमि का अर्थ तो आप लोग सभी जानते हैं, धरातल जिसपे हम लोग रहते हैं। तो आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी मैतेई, सी असमिया, डी मिजो। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। आधिकारिक भाषा का अर्थ होता है वैसा भाषा जिसका उपयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में जिसका हम लोग यूज करते हैं उसे आधिकारिक भाषा कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होता है वो अंग्रेजी है। और अगर भारत की बात करें तो कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, तो भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है, उसी प्रकार से झारखंड जो है उसका अर्थ क्या है, झारखंड शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सांगपो की भूमि, सांपों की भूमि, बी जंगल की भूमि, सी नदियों की भूमि, डी पहाड़ों की भूमि। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी जंगल की भूमि। देखिए, झारखंड से ही पता चलता है, अगर हम लोग इसे बीच में यहाँ पे तोड़ दें तो झार प्लस खंड, खंड का अर्थ होता है भाग और झार का अर्थ होता है पेड़ पौधे जंगल, तो ये क्या हो गया? जंगलों की भूमि हो गई। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जंगलों की भूमि। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी झारखंड राज्य से होकर के गुजरती है? वैगई, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, सी अमरावती, डी सतलुज। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी जो है वो झारखंड राज्य से होकर के गुजरती है। इसके बाद बात करें वैगई और अमरावती, तो ये जो दो नदियां हैं वो तमिलनाडु राज्य में बहती हैं। इसके बाद सतलुज जो है वो उत्तर भारत की नदी है। अगर हम इन दोनों नदियों का राज्य के नाम पर अगर याद नहीं रह सकता है कि तमिलनाडु, तो हम लोग इसे दक्षिणी, दक्षिण भारत की नदियां भी कह सकते हैं।
ठीक है, और सतलज उत्तर भारत की नदियां हैं। लेकिन स्वर्णरेखा नदी जो है वो झारखंड में बहती है। ये दोनों नदियां तमिलनाडु राज्य में बहती है, सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सब राज्यों में बहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, यानी झारखंड राज्य जो है वहां पर किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आर्कियन क्रम, बी गोंडवाना क्रम, सी नवीन निक्षेप, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। झारखंड में इन सभी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, झारखंड की जो जलवायु है, झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? तो झारखंड की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के बावजूद भी झारखंड में आर्द्रता या नमी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो पठार है वो ऊंचे नीचे या फिर बड़े बड़े पठार भी पाए जाते हैं, ऊंचाई की वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र मानी जाती है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसकी जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। अब जलवायु है तो इसको भी बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, अक्षांशीय स्थिति, सागर की निकटता, स्थानीय कारक और उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो अक्षांशीय स्थिति है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसके बाद सागर की निकटता, अगर सागर की निकटता की बात करें तो झारखंड जो है वो बंगाल की खाड़ी से 90 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात आते हैं वो सभी इस राज्य को प्रभावित करते हैं। इसके बाद स्थानीय कारक, यानी कि यहाँ का जो उच्चावच है, धरातलीय स्वरूप है, ये सभी चीजें भी इसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों आंसर सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, झारखंड का दक्षिण पूर्व क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से कितनी दूरी पर है? एकदम यही प्रश्न हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले किया कि झारखंड का दक्षिण पूर्व क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन ए 80 किलोमीटर, बी 85 किलोमीटर, सी 90 किलोमीटर, डी 95 किलोमीटर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? 90 किलोमीटर। झारखंड का दक्षिण पूर्व क्षेत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी से कितनी दूरी पर है? तो 90 किलोमीटर की दूरी पर वो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड में सरहुल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? झारखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है सरहुल, वो कौन सी ऋतु में मनाया जाता है? ए पतझड़ में, बी गर्मी में, सी सर्दी में और डी वसंत में। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वसंत। सरहुल जो है वो एक प्राकृतिक पर्व माना जाता है। सरहुल पर्व को वसंत ऋतु में मनाया जाता है और यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो इस पर्व को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और वसंत ऋतु में मनाते हैं। आदिवासी जनजाति के जो लोग होते हैं वो प्राकृतिक प्रेमी माने जाते हैं, वो प्रकृति से बहुत ही जुड़े हुए होते हैं और वसंत ऋतु में क्या होता है, बहुत ही नए नए तरह के फूल खिलते हैं। इस फेस्टिवल में, सरहुल में, वो लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं और हरियाली के तौर पर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो कौन सी ऋतु में? वसंत ऋतु में इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, असुर झारखंड में एक जनजाति है, निम्न में से किस जिले का ये जनजाति है? असुर जो है, आपने झारखंड में बहुत सी जनजातियों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे असुर हो गया, संथाल, गोंड, बहुत सारी जनजाति है, तो उसमें से एक जनजाति है असुर जनजाति। झारखंड के एक जनजाति है और ये किस जिले का है? ऑप्शन ए गोड्डा, बी पलामू, सी सिंहभूम, डी रांची। तो असुर जनजाति जो है वो सिंहभूम जिले में पाया जाता है, ये सिंहभूम जिले में रहता है। इसकी जो भाषा है वो मुंडारी भाषा है। असुर जनजाति की भाषा क्या है? मुंडारी है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंहभूम। असुर जनजाति जो है वो कौन से जिले में है? सिंहभूम जिले में रहता है और इसकी भाषा जो है वो मुंडारी भाषा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम लोगों का यहीं पे कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।